विद्यार्थी लोग क्या करे कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, वो कह रहे थे एजुकेशन मैन मेकिंग क्लासेस, ये जो शिक्षा है मानव निर्माण, जिससे मानव का निर्माण होगा, अच्छा मानव बने वह शिक्षा है। वो कहते थे कि अंदर नहीं शक्तियों का प्रकटने वाला ही शिक्षा है, हमारे अंदर जो शक्ति है जो छिपी है इस शक्ति को बाहर करने की जो पद्धति है वो शिक्षा है। अभी भैया एक बात की बात होती है सज्जागर प्राप्त भरा निबोधन, उठो जागो श्रेष्ठ लोगों का हमारे दर्शन प्राप्त करो और तब तक करो जब तक हमारा लक्ष्य हमारे पास ना आ जाए। ये वाक्य हम कहने के लिए है क्या? ये वाक्य वास्तव में जीवन में उतारने के लिए। वो कहते थे जब कोई व्यक्ति कुछ काम करेगा उसका लोग उपहास लाएंगे, जब उससे भी उनका मन नहीं भरेगा तो विरोध करेंगे। अगर इन दो परिस्थितियों में हम नहीं टिके तो धीरे धीरे वही जो हमारा उपहास लाते रहे, जो हमारा विरोध करते रहे, वही हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे। ये तीन स्थितियां होती हैं जब कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो हंसी बात है, उससे भी पेट नहीं भरता उनका तो फिर विरोध करें। लेकिन काम करने वाला जो विद्यार्थी होता है, काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, अगर अपने काम को गति देता रहता है तो धीरे धीरे उपहास उड़ाने वाले, विरोध करने वाले थक जाते हैं और वो हमारे प्रशंसक बन जाते हैं। इसलिए भैया बहनों हम जीवन में जीवन जो हमको मिला है इसकी हमें एक सार्थकता है, इस जीवन में एक उद्देश्य है, हमको भी अपने जीवन का लक्ष्य तय करना पड़ेगा। कठिनाई आएगी, कठिनाई का समाधान भी करना पड़ेगा, उसका सामना भी करना पड़ेगा। 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद चले गए, लेकिन आज पूरी दुनिया उनका नाम ले रही है। कारण साफ है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित कर दिया। उनका अपना जीवन अपना नहीं था, एकम नानम रास्ता है स्वाहा, एकम नानम रास्ता है स्वाहा, एकम नानम। उनका शरीर वास्तव में रास्ते के लिए था, स्वयं का नहीं था, इसलिए उनका प्रत्येक उनका जो जीवन था वो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। उनके जो विचार हैं उन विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, केवल आत्मसात नहीं करना है, उन विचारों पर काम भी करना है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारी उनकी युक्ति युक्तियां हैं, बहुत सारे विचारों को हमको पढ़ना पड़ेगा। काश आज की इस जयंती पर हम सब कुछ न कुछ प्रेरणा लें, कुछ न कुछ सीखें। अभाव में भी व्यक्ति शिकार को पहुंच सकता है, कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उस मंच पर वो पहुंच करके अपना विषय रख सकते हैं। कितनी समस्याएं वो समाधान करने में रही होगी, लेकिन हमारे आपके पास उतनी समस्या नहीं है, हम भी विवेकानंद की भूमिका में आ सकते हैं। हम सब विवेकानंद बेटे हैं, सब विवेकानंद है, विवेकानंद के प्रतिनिधि हैं। इसलिए आप सबको, आप सभी की ओर से विवेकानंद की जयंती पर आप सभी की ओर से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे अपेक्षा भी करते हैं। कोई जलता पक्षियों पर कोई पक्षी न मनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। हम ही कुछ करने की स्थिति पैदा करें, हम इस देश के
नागरिक बने, अच्छे पुत्र पुत्री बने और उनका श्रेष्ठ मार्गदर्शन हमारे सामने है, उनके जो विचार हमारे सामने हैं, उन विचारों को आत्मसात करके अपने जीवन की विकास यात्रा को लेकर आगे बढ़े। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, आप निरंतर आगे बढ़ो। इस समय धन्यवाद। पहले आदित्य झा के लिए सैनिक ताल कोच, और जो प्रधानाचार्य जी का मर्म स्पर्शी विवेकानंद जी पर व्याख्यान था उसके लिए पुष्प वर्षा कुर, विशेष ताल कुर, बहुत बहुत, बहुत।